माँ ए मेरे को ब्याह है रोए। पति तो कभी कभी लोभ कर देंगे, बैंड कहाँ तक कर लो तुमने मारे रात एटा चुना करो लल्ला, यूं कह रहा हूँ माँ को अच्छो है पापा ने 5,000 की मारे ना करो। अरे बोले 5,000 बहुत हूँ मैं, बैंड में का तू नाचेगी माँ रहने तो ही बहुत है। बोले बैंड में हो बच्चा 30,000 को हो। माँ को बड़ी खुशी होती है, वो बात अलग है कि पहला टारगेट माई है जाए। फिर बोलो जय सिया राम, सबसे ज्यादा घर में खुश कौन था? माँ। अब बहू ने सबसे पहले आके नंबर कौन का लिया? बोलो, बोले सास तो ही देखूंगी पहले नंबर तो। ये सबकी बात नहीं है, मैं सबकी नहीं कह रहा कि सब बहुएं एक जैसी होती हैं, पर समाज में देख रहा हूं 90% इस तरह चल रहा है। अब मुझे एक बात जवाब दे दो बस, माँ गलत है या बहू? बोले जैसे राम, सुनो मैं बताऊं। अब फिर तुम ही डिसाइड करना माँ गलत है कि बहू। शादी होके आई और शादी होके आने के बाद में ऐसे घरों में चलने लगता है, फिर बोलती है तुम्हारी माँ की आदत ठीक नहीं है। यही होता है ना, तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, चाची बहुत अच्छी है। हाँ, मम्मी से चाची बहुत अच्छी है, देखो ऐसी है वो ऐसी है। अच्छा चलता रहेगा, साल एक नहीं बीते, साल दो नहीं बीते, बहुत हो गया कि 6 महीने में अलग हो गई। देखो जी मेरी नहीं बनेगी मम्मी से, हाँ अलग रखना है तो रहो, अलग रहने लगे। अब दामाद पति यही तो बोल सकता, तेरी मम्मी बढ़िया। बोले मेरी मम्मी जैसी तो है ही जाई तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी बहुत बढ़िया है। अच्छा सारे को हो गया, अब बहुत सारे को गया, साल दो बीते के सरहज नहीं आ रही है। पति बोले तेरी मम्मी बड़ी आई तो तेरी भाभी चुने आ रही है, तो मैं ना मालूम जन कहां ते आई है, ऐसे नीच घर की है, ऐसी है वैसी है, यूं करे यूं करे, बहुत ही बुरी निकली देखो नहीं आ रही है। बोले गलत कौन है? बोले भाभी गलत है। अब बोले यहाँ पे कौन गलत है? तुम्हारी मम्मी गलत है। बोले बहुत बढ़िया, माँ भाभी गलत और यहाँ मम्मी गलत। तेरी भाभी 2 साल तो रही संग, तू तो 6 महीने में लग है गई है, अब क्यों दुख हो रहा है? अगर माँ ही गलत है तो यहाँ भी गलत है और वहां भी गलत है। इसलिए अपने परिवारों को संभालो। मैं सबसे निवेदन करता हूं, न माँ गलत है न बहू गलत है, गलत है तो सोच गलत है। सास बहू के लिए बेटी माने, अब बहू सास के लिए अपनी माँ माने, घर बदल जाएंगे। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो ना। कितनी बहुएं बैठी हैं जिनने अपने सास ससुर के पांच छुए हाथ उठाइयो। बोलो जय श्री राम। देखो इधर कोने में, उधर उधर माता जी हैं और तो पीछे हैं, अब बीच वाला तो मोहल्ला पूरा ही। बात करने के लिए नहीं बोला था और हंसने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोला था, शर्म की बात है। जो हंस रहे हो बहुत ही शर्म की बात है, पाए छुए ना, हा हा हा, कितना बड़ा काम कर लो तुमने। बुरी बात है कि नहीं? सास बोले न बोले तुम अपने पाए छुए में कमी करो मत। बोलो जय श्री राम।
ये जो बड़े बूढ़े हैं ना, ये करते किसके लिए? कितनों कोई बड़ो बूढ़ो होए, तुम्हारे दरवाजे पर बैठा रहे, फिर भी कम से कम 5-6 हजार रुपया को नौकर है, घर रखाए हुए कोई है या नहीं? बताओ, कोई नौकर इतने से सस्ता मिल जाएगा केवल सिक्योरिटी के लिए? बताओ, नहीं मिलेगा ना। और उस बड़े बूढ़े के लिए दो रोटी नहीं दे सकते? उन बड़े बूढ़ों के लिए दो रोटी मुश्किल है? घर में पकवान बन रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, नाती खा रहे हैं, बहू खा रही, बेटा खा रहा है, अब बड़ा बूढ़ा गेट पे बैठा देख रहा है। किसी ने पूछा, खाना नहीं खाया, दीपावली का मौसम है, त्योहार का मौसम है, कह रहे हैं आज लाला मेरी तबीयत सही ना आई तो मैं रोटी ना बना पाई। ये बड़ी बूढ़ी माँ कह रही है, अरे धिक्कार है तेरे जीवे को, काय को तेरा त्योहार है, होंगे तेरे घर में पकवान, अब बन रहा होगा तू पैसे वाला, ऐसा पैसा वालों का काम को जाके माँ भूखी बैठी रहे, काय को पैसा है। जो भी यहां पर भाई बंधु बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर एक बात मानो, सबकी मानो, पर माँ भूखी रहे ऐसे किसी की कोई बात, चाहे फिर वो अपनी अपनी खास पत्नी क्यों ना हो, हर बात मानूंगा तेरी, तो का चाहिए ना बता, लाके दूंगा, चाहे दिल्ली कमाओ, चाहे फिरोजाबाद कमाओ, चाहे लखनऊ कमाओ, और चाहे देश से परदेश और चलो जाओ, पर मेरी माँ को रोटी तो तुझे ही देनी हो। ये बड़े शर्म की बात है, जवान बहू बेटा है और बड़े बूढ़े अलग रह रहे हैं। मैं बहुत देख रहा हूँ समाज में बड़े बूढ़े अलग रह रहे हैं, छोटे ते पूछो तो माँ बाप में कमी है, और बड़े ते पूछो तो माँ बाप में कमी है, और इतनी इनमें कमी है तो तुम पाले के पट्ठा कैसे कर दे इनमें इतने ही जे बुरे। भाई बहनों, आंसू आते हैं, दिल दुखता है, जिसके घर में जवान बेटा है, खेत में काम कर रहे हैं बड़े बूढ़े, अब फिर जेठ की दोपहरी में घरे आके वो माँ रोटी बना रही है, कब वो भूखी सो जावेगी, तब इनकी आत्माएं एक ही बात कहती हैं, जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, जिंदगी एक प्यास बन कर प्यार के किसे अधूरे रहे, दिल के अरमा आंसुओं में अरमान थे, बड़े बालक है जाएंगे तब सुख मिले हो, पर मोए तो बहुत से बड़े बूढ़े को फिर सुख ना मिलते दिख रहे। हमने खुद को भी मिटा डाला, मगर इस गीत की ये लाइन बिल्कुल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, इन बड़े बूढ़ों की आत्मा कहती है, हमने खुद को भी मिटा डाला, मगर फासले दो दरमिया रे, फिर भी हम विश्वास न दिला पाए कि बेटा ये सब कुछ तुम्हारा ही है, दिल के अरमा आंसुओं में, त्यारो भागवत कथा सुनबो, त्यारो भागवत कथा करवाएबो, त्यारो राम कथा सुनबो, त्यारो राम कथा करवाएबो, का फायदा को जब तुम अपने घर के देवतन को नहीं मान सकते। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, आज तू बेटा है
अगले जन्म में तू बाप बनेगा। बाप तो यही बनना है, नाती देख रहे हैं मेरे पापा ने कितनी सेवा करी मेरे बाबा की है? आजकल तो बहुएं कह देते हैं हमें पता हो ना तुमने कितनी सेवा करी, आज तो पजारूंगी धर के चूल्हे में, पहले अपनी सास की करी सेवा जो मुंह पे करवावे। तो ये मैसेज गलत जा रहा है ना, खुद सुधरो। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए। राम जी को सबने माताओं ने ना चार बहुओं के लिए अंगूठी बनवाई है, मुंह दिखाई के लिए हीरा की एक एक अंगूठी सबको दी माता कौशल्या ने, पर जानकी का रूप देख करके बोली या किता मैं हीरा की अंगूठी दूंगी तो बेइज्जती है जावेगी, मेरी बहू इतनी सुंदर है तो क्या दूं। राम का हाथ पकड़ा और राम को ही सीता जी को दिया और कहा आज से मेरा अनमोल हीरा तेरा है बेटा, आज से ये तेरा है। जब से राम ब्याही घर आए, भाव से गाएंगे, नितनब मंगल मोदब धाए, थोड़े समय बाद ही महाराज दशरथ ने मन में सोचा अब तो ब्याह है गए बालकन के, अब करना क्या है, राजा बना दूंगा भजन करूंगा भगवान का, और ये घोषणा करना चाहते हैं राम को आज ही राजा बना दूं, तो वशिष्ठ ने कहा आज शुभ मुहूर्त नहीं है। शुभ मुहूर्त कब है? बोले कल है। जीवन में याद रखना अच्छे काम को कभी शुभ मुहूर्त के लिए मत टालना, और जो शुभ मुहूर्त ज्यादा देखे ना मीठो मीठो वो समय ना आवे। मैं आपको पक्का बता रहा हूं ये राम कथा चल रही है ना, ये यहाँ पे सुनो मेरी बात, राजस्थान में बात हुई हमारी, हम कथा कर रहे थे, हमारे बेदुर जी इत्यादि यहां से सब लोग गए थे, कौन सी डेट सही रहेगी, पहले फाइनल हुआ कि दीपावली के आसपास दीपावली पे देखेंगे, तो बताया यहाँ पे थोड़ा काम वगैरह रहते हैं और गांव में भी एक कैजुअलिटी हो गई थी है ना, किसी की डेथ हो गई।